टीकमगढ़ जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केशवगढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पुष्पेंद्र जैन ने मोहनगढ़ तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत सिंह को मां बहन की बद्दी गालियां दी, पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी शायद प्रदेश की सरकार के नुमाइंदों के दबाव में काम कर रहे हैं। मजदूर मगनलाल अहिरवार को प्रधानमंत्री आवास न मिलने पर मजबूरी में उनकी पत्नी और 3 बच्चों सहित शौचालय में निवास कर रहा था और उसी शौचालय में 4 साल के बच्चों और परिवार के लिए भोजन भी बनाता था, जिसमें मजदूर मगनलाल को आवास मिल सके। खबर को देखकर टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया और मौके पर जाकर मगनलाल के हालत देखने के लिए मोहनगढ़ तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर अभिजीत सिंह को निर्देशित किया। जब केशवगढ़ मोहनगढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जैसे ही वहां से वापस आ रहे थे तो 4 कदम चलने पर ही उसी ग्राम के पूर्व सरपंच और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र जैन ने तहसीलदार को भद्दी गालियां दी, मां बहन की गालियां दी। मगर सोचने की बात तो यह है कि देश और प्रदेश में जिस भाजपा की सरकार है उसी की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जब वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं तो भाजपा के नेताओं द्वारा उन्हें गालियाँ दी जाती है और इस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जिससे प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी शायद प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के दबाव में काम कर रहे हैं। मोहनगढ़ से अभय शुक्ला की रिपोर्ट। बेटा, आप लोगों के शौचालय में खाना क्यों खा रही हो? सर, मकान ही नहीं, इसलिए यहीं पर खाना खाते हैं हम लोग। रहती कहाँ हो बेटा? सब यहीं पर रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं बेटा? 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल से इसी शौचालय में। कितने लोग रहते हैं बेटा? हम लोग 5 लोग रहते हैं। कौन कौन? हम 3 बहने, मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा। 5 लोग कहाँ? इसी में। इसी में रहते हैं। और बरसात में? जब बरसात होती है तो इसी में रहते हैं। अच्छा, इसी में सब है? इसी में सब, इसी में खाना रखते हैं, सब सामान इसी में रखते हैं। और बहुत परेशानी भी होती है। आप लोगों ने, मम्मी पापा ने कहा है सरपंच से और लोगों से कि हमें आवास दिलाइए? हाँ, कहा। नहीं मिला? नहीं मिला। आपका नाम? फूला। कौन समाज से हो माता जी? पहला। आप शौचालय में निवास क्यों कर रही हैं? शौचालय में मकान के साथ मकान ही नहीं है। अच्छा, मकान नहीं है आपका? नहीं है मकान। कितने बच्चों के साथ आप इसमें निवास करती हैं? 4 बच्चों के पास कर रही, 1 बच्ची के पास शादी कर दी। कहाँ से शादी की थी? यहीं से। शौचालय में? नहीं, क्षेत्र में कही थी। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कही थी कहते करवाने बस। आपने किसी अधिकारियों से नहीं कहा कि हमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए? नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, सरपंच नहीं सुना कर लाया था। कहो सरपंच से, कहो उसने कहा था कल सरपंच से कहो। तो आपने कहा है? कहा है, नहीं सरपंच ने कत करवाने करा कर। आप कितने साल उसने इस शौचालय में रहे हैं? अब रह रहा है मैं 4 साल भैया। और बरसात में कहाँ रहती? बरसात में रहती। फिर आपको इतने बच्चों के साथ यहाँ रहने में परेशानी नहीं होती होगी? परेशानी हो चुका है देखो, ऐसे परेशानी हो रहा जी, अपने बाहर खुल जा सो, अपने बाहर खड़ी आओ तो भी तो खड़ी है। भोजन पानी कहाँ पर बनाती हूँ? नहीं है। कहाँ पर? शौचालय। यही शौचालय में बनाती हूँ। वो खाती कहाँ हो? खाती इतने बच्चों के साथ? इतने बच्चों के साथ कहाँ करें, यही में खाते हैं। आपके पास जमीन खेती बाड़ी की कितनी है? देखिए, हमने आपके चैनल के माध्यम से इस खबर को देखा भी है। मंगललाल सौर केशवगढ़ का जो निवासी है उसका शौचालय भी हमने देखा है, शौचालय में उसको निवास करते हुए भी देखा है। और जहाँ तक बात है तो ये एकदम सत्य है और ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के 13-14 साल के शासनकाल में उनके जो, जिनके पास में साइकिल नहीं थी, खाने को अनाज नहीं था, करोड़ों रुपए का लूटपाट करके कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके और उन लोगों ने धन एकत्रित करके केशवगढ़ से जाके टीकमगढ़ में, खाकरौन से जाके टीकमगढ़ में, बिंदारी से जाके टीकमगढ़ में, उनके जो दलाल हैं वो अधिकारियों से उनकी अच्छी सांठगांठ है। और सरकार में जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब का, उन चोरों को संरक्षण प्राप्त है। गुंडों को भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से रखती है। हाल ही में हमने ये वाला वीडियो भी देखा है जिसमें मोहनगढ़ के तहसीलदार को गालियां देते हुए बताया गया है। पुष्पेंद्र जैन कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बड़ा वाला गुंडा है और इसकी तो जांच होना चाहिए। ये तो इनकम टैक्स का भी पैसा गड़बड़ कर रहा है, कई दुकानें इसके पास में है,
कई तरह का ये टैक्स बचाता है, टैक्स चोर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है तमाम तरह की और भी चोरियाँ, आवास सरपंच भी ठेकेदारी में चल रहे हैं, जो आदिवासी हरिजन सरपंच बनता है। देखिए, आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के कारण। कोई भी छोटा मोटा अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, शिवराज सिंह जी के जो गुंडे हैं, उनके माध्यम से उनको तरह तरह की धमकियां, गांव में शोषण उनके माध्यम से ही होता है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय शिवराज सिंह जी को जाता है। और जो IAS अधिकारी हैं, यहाँ तहसीलदार हैं, परीक्षा अवधि में हैं, उनको जो गालियाँ दी गई हैं ये अत्यंत निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। हम सब उन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हैं जिनको भी भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करने का काम करेगी, निश्चित रूप से दबाव में है, और उनको अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस तरह की मंत्रियों और विधायकों के द्वारा धमकियाँ दी जाती होंगी और दी जाती हैं कि आप हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर उठाओगे तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लूप लाइन में डाल देंगे। अधिकारी कर्मचारी डरते हैं, सरकार किसी की भी हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।